Cause I just wanna go, go, go to the deep end. सबसे पहला बॉक्स, छोटा बॉक्स, इसके अंदर आपको मिलता है सिम इजेक्टर पिन, आपको कुछ कागजात और आपको एक बैक केस मिलता है जो ठीक ठाक क्वालिटी का है। मैं आपको निकाल कर दिखा देता हूँ, ये देखो ठीक क्वालिटी का है। फिर आता है सीधा हमारा फोन, क्या बात है यार, ये देखो डायमंड इफेक्ट आ रहा है, रजमन दिख रहा है, आ रहा है थोड़ा हल्का, थोड़ा सा आ रहा है ना। क्या बात है यार, ये होता है दोस्तों, ये स्टारडस्ट व्हाइट कलर है। आपको और भी कलर्स मिलेंगे, लेकिन आधे में से अगर आप देखोगे, पहले इसको निकाल देते हैं यहाँ से। वाह, ये होता है डिजाइन, क्या ब्यूटीफुल लग रहा है। नीचे देखिए ऐसा शिमरिंग आपको यहाँ पर विजुअल जैसा ग्लिटर इफेक्ट यहाँ पर मिल रहा है, जो एक्चुअली में थोड़ा डिफरेंट लग रहा है। मैंने आई थिंक सो ये पहला ऐसा फोन देखा रहेगा जो पूरा ऊपर अलग है और नीचे से थोड़ा अलग हो रहा है। और ये पॉलीकार्बोनेट बैक है ऑब्वियसली, और जहाँ पर इसका जो फॉर्म फैक्टर है वो ठीक है, 8.7 mm की थिकनेस है, और एक सेकंड, 195 आपको इसका वेट मिलता है। तो हाथ में होल्ड करने पर थोड़ा ठीक लग रहा है। और इसका जो फ्रेम है ये भी प्लास्टिक है, लेकिन ऑलमोस्ट यहाँ पर ये फ्लैट है। अगर आप देखोगे तो एजेस जो है वो ऑलमोस्ट फ्लैट ही लग रहे, लेकिन अचानक से राउंडेड कॉर्नर्स हो जाते हैं, तो पूरा के पूरा हम उसको फ्लैट नहीं बोल सकते। लेकिन स्टिल जो फॉर्म फैक्टर है वो थोड़ा सा अलग है यहाँ पर। और ऑनेस्टली कहूँ तो प्राइस के हिसाब से जो डिज़ाइन है वो मुझे बहुत अच्छी लगी है। बस ग्लास होता तो थोड़ा और भी ज़्यादा मज़ा आता था। नीचे की तरफ आपको 3.5 mm जैक है, माइक होल है, टाइप सी पोर्ट है, आपको एक पहला स्पीकर मिलता है, लेफ्ट साइड में सिम ट्रे, अनफॉर्चुनेटली आपको सिर्फ हाइब्रिड स्लॉट है। एक तो शाओमी इतनी सारी चीज़ें फ़ोन में भर भर के देता है, लेकिन हमेशा से हाइब्रिड स्लॉट देता है, और ये चीज़ मुझे उनकी बिल्कुल पसंद नहीं आती है। उसी के साथ राइट साइड में फिंगरप्रिंट स्कैनर है, आपको बता दूँ, वैसे वो पावर बटन एक ही काम करता है, ये देखेंगे, टच करते ही अनलॉक हो गया, फिर से आपको दिखाता हूँ, बंद करते टच किया अनलॉक हो गया। तो फिंगरप्रिंट स्कैनर भी काफ़ी फास्ट है, और साथ ही साथ फेस अनलॉक भी लग गया, तो दिखा देते, ये देखो खुल गया, फिर से आपको दिखाता हूँ, उससे कोई शिकायत नहीं होती है। उसके ऊपर आपको वॉल्यूम अप एंड डाउन की है, एकदम ऊपर बहुत सारा काम हुआ है, आपको आईआर ब्लास्टर मिल रहा है, आपको सेकेंडरी माइक होल, और आपको यहाँ पर एक और स्पीकर मिल रहा है, यानी कि डुअल स्टेरियो स्पीकर्स आपको मिलते हैं। और कैमरे का जो पीछे कटआउट है ये भी डिफरेंट है थोड़ा, हालांकि इतनी सारी चीज़ें आपको यहाँ पर दिख रही है, लेकिन आप गलत है, सिर्फ दो कैमरा मिल रहा है, एक 50 MP मेन सेंसर है, फिर आपको 8 MP अल्ट्रा वाइड, फिर LED फ्लैश वगैरह है, यहाँ पर AI वगैरह है, और यहाँ पर एक अलग से, बस खाली उन चीज़ों को कवर करने के लिए उन्होंने इतनी सारी चीज़ें यहाँ पर दे दी है। और कैमरे का बम भी वैसे इतना ज़्यादा नहीं है, ठीक ठाक ही है। तो इसको रखते हैं, आते हैं बॉक्स में, देखते हैं आपको और क्या कुछ मिलता है। तो यहाँ पर आपको 33 W, ये फास्ट चार्जर है, शाओमी इसको प्रो चार्जर बोल रहा है, इट डजंट मैटर, काम तो वैसे ही करेगा, उसमें कुछ नया नहीं है। और उसके अलावा आपको यहाँ पर एक टाइप सी केबल मिल रहा है, बस। डिस्प्ले की तरफ आते हैं, 6.6 इंच की फुल HD प्लस वाली आपको एक IPS डिस्प्ले मिलती है, और यहाँ पर पंच होल भी छोटा है, इनफैक्ट चिन भी आपको थोड़ी कम मिलती है। तो प्राइस के हिसाब से जो स्क्रीन टू बॉडी रेशियो है वो मुझे यहाँ पर अच्छा लगा है। वैसे गोरिल्ला ग्लास 3 की उन्होंने प्रोटेक्शन दिया है, और आपको 90 Hz रिफ्रेश रेट मिलता है, तो डिस्प्ले जनरली थोड़ा स्मूथ चलेगा, और 240 Hz का आपको टच सैम्पलिंग रेट भी मिलता है, तो हाँ टच रिस्पॉन्स भी आपको यहाँ पर थोड़ा बेटर मिलता है। लेकिन यहाँ पर दो चीज़ें मैं जोड़ना चाहूँगा, एक तो इसमें आपको HDR सपोर्ट नहीं मिलता है, हमने यहाँ पर एक ऐप इंस्टॉल किया है, ये वाला डिस्प्ले टेस्टर, यहां पर देखोगे तो क्लियरली मेंशन्ड है HDR का सपोर्ट नहीं है, और वाइड कलर गैमेट भी यहां पर नो बता रहा है, लेकिन इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर DCI-P3 वाइड कलर गैमेट मेंशन्ड है, यहां पर इस ऐप में नहीं बता रहा है। अब इस ऐप का ग्लिच है या ब्रांड का ग्लिच है ये मुझे नहीं समझ में आ रहा है। उसी के अलावा ये ऐप के थ्रू हम टेस्ट कर सकते हैं बेसिकली कि भाई कोई पिक्सल डिटेक्शन या ऐसे कुछ चीजें इशू है या नहीं है। तो यहां पर बेसिकली मुझे ऐसे कोई डेड पिक्सल वाला सीन नहीं दिखाई दिया, तो वो भी मुझे ठीक लगा, लेकिन ब्राइटनेस कुड हैव बीन बेटर। अगर आप देखोगे हमने फुल ब्राइटनेस पर यहाँ पर सेट किया है, लेकिन अगर हम थोड़ा ऐसा कर देते हैं या थोड़ा ऐसा कर देते हैं या ऐसा कर देते तो इतना खास ब्राइटनेस नहीं लग रहा है, लेकिन सामने से अगर आप देखोगे तो थोड़ा ठीक लग रहा है, तो इट कुड हैव बीन बेटर। बाकी ओवरऑल वीडियो व्यूइंग एक्सपीरियंस अच्छा था, शार्पनेस अच्छी थी, तो उस मामले में मुझे ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं हुई थी। परफॉर्मेंस की बात करते हैं दोस्तों, इसमें आपको मिलता है मीडियाटेक डायमेंडसिटी 810 5G चिपसेट। अब ये चिपसेट आई थिंक ये तीसरा फोन है जिसमें हमें देखने को मिल रहा है, और ये 6, अरे रुक जाइए मेरे, अबे लो सत्यानाश, हमारा काम हो गया। एनीवेज अभी यहाँ पर दोस्तों बात ये कि 6 nm पर है, काफ़ी बैटरी इफिशियंट है, 5G चिपसेट है, और यहाँ पर परफॉर्मेंस जो है वो आपको बहुत ही अच्छी मिलेगी। हमने बैटल ग्राउंड इसमें खेला था HD पर सेट करके, ग्राफिक्स अच्छी थी, इनफैक्ट कोई ज़्यादा लैग स्टटर भी नहीं दिखाई थी, तो गेम प्ले वैसे उस मामले में काफ़ी स्मूथ है। लेकिन एक चीज़ जैसे कि मैंने पहले भी कहा था, अभी भी कहता हूँ कि इस चिपसेट की क्षमता ज़्यादा है, अगर डेवलपर्स के साथ प्रॉपरली जो ब्रांड्स है वो ऑप्टिमाइज करती है,
तो आप और भी हाई ग्राफिक्स पर गेम्स खेल सकते हैं। लेकिन यहाँ पर मैंने हमेशा से मीडियाटेक के डायमेंसिटी चिपसेट्स के बारे में तारीफ तो किया था कि हीट कम होते हैं, परफॉर्मेंस बढ़िया होती है, लेकिन ऑप्टिमाइजेशन ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए, ये मैं ज़रूर कहूँगा। बाकी चिपसेट में ज़्यादा कुछ बोलने जैसा ही नहीं, परफॉर्मेंस डे टू डे लाइफ की एकदम स्मूथ है और गेमिंग भी आपकी इसमें बहुत ही अच्छी होगी, और हाँ हीट इतना ज़्यादा नहीं होता है। सॉफ्टवेयर की बात करते हैं, MIUI 12.5.1 चल रहा है, Android 11 है, MIUI 13 कभी आएगा इसके बारे में कुछ पता नहीं, लेकिन ऐसा मेरा गट फीलिंग बोलता है कि इसमें शायद सबसे जल्दी आपको देखने को मिल सकता है। उसी के अलावा थोड़ा सा इंप्रूवमेंट हुआ है, मतलब देखिए हमने हमेशा से क्रिटिसाइज किया है तो बार बार जरूरी नहीं कि हम क्रिटिसाइज ही करें, जब इंप्रूवमेंट्स होगी तो हम आपको बताएंगे। इसमें थोड़ा सा चेंजेस हुआ है, कचरा थोड़ा कम है, और उसी के साथ आपको FM रेडियो वैसा और थोड़ी बहुत चीज़ें, हाँ लेकिन एक कचरा है, गेट ऐप्स, ये उनको निकाल देना चाहिए, इसके अननेसेसरीली नोटिफिकेशन आते हैं जो मुझे पर्सनली बिल्कुल पसंद नहीं है। बाकी तो एक्सपीरियंस स्मूथ है। LPDDR4X रैम सपोर्ट है, आपको रैम बूस्टर वगैरह मिलता है, लेकिन उन्होंने उनकी वेबसाइट पर यह बताया कि 8GB वाले पर ही आपको 3GB का वर्चुअल रैम सपोर्ट है, जो 11GB तक जा सकता है। उन्होंने 6GB रैम का कहीं पर भी जिक्र नहीं किया है, तो ये चीज़ आपको थोड़ा यहाँ पर समझना है। वैसे भी उन वर्चुअल रैम में मैं ज़्यादा बिलीव नहीं करता हूँ। और उसके अलावा आपको UFS 2.2 स्टोरेज है। अब यहाँ पर हमने PC मार्क करके एक ऐप इंस्टॉल किया था स्टोरेज को चेक करने के लिए, तो अगर मैं यहाँ पर जाता हूँ और आप देखोगे तो स्टोरेज जो है यहाँ पर जो स्कोर्स आए वो इंप्रेसिव है, 20,000। अगर आप देखोगे थोड़ा सा जो सीक्वेंशियल रीड स्पीड इंटरनल वो 891 है और राइट स्पीड 450 है। अब मैं आपको ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मेरे पास यहाँ पर UFS 3 वाला एक फ़ोन है, ये UFS 3 वाला Oppo Find X2 Pro है, इसका स्कोर 23,000 है, सरप्राइजिंगली वो 20 है, आसपास ही, ज़्यादा नहीं है, इसकी भी रीड राइट स्पीड उतनी ही है, तो हाँ ये थोड़ा मुझे यहाँ पर ठीक लगा। वैसे भी दोस्तों इसमें एक चीज़ अच्छी ये है कि ऐप ओपन क्लोज जो है स्पीड वो बहुत फास्ट है, तो कहीं ना कहीं मुझे इम्प्रूवमेंट मिली है इस मामले में, और जितना भी मैंने 2 दिन में यूज़ किया मुझे इसमें ज़्यादा लैग स्टटर नहीं दिखाई दिए, तो थोड़ा सा ऑप्टिमाइजेशन हुआ है, लेकिन ये MIUI है, हम जगह पर भरोसा नहीं कर सकते, तो एक महीना यूज़ करके ही मैं आपको बताऊंगा कि इसकी परफॉर्मेंस कैसी होती है। नेटवर्क कनेक्टिविटी की बात करें तो आपको इसमें 5G मिलता है, जी हाँ, और डुअल सिम 5G का सपोर्ट है, साथ ही साथ 7 5G बैंड से। लेकिन 5G से लेके अब मैं ज़्यादा इतना एक्साइटेड नहीं होऊंगा क्योंकि मुझे नहीं पता इंडिया में 5G कब आ रहा है, तो उसको हटा देते हैं। 4G की बात करते हैं, अभी हम वही यूज़ कर रहे हैं। 4G प्लस कैरियर रिकग्निशन इसमें नहीं है, अभी हमने वोडाफोन का सिम कार्ड डाला उसमें हमें वो दिखाई दिया, बाकी क्या पता एयरटेल और जियो का क्या सीन है, लेकिन इसमें फिलहाल के लिए जो हमारी टेस्टिंग हुई उसमें 4G प्लस कैरियर रिकग्निशन मुझे नहीं दिखाई दिया। उसी के साथ दोस्तों आपको डुअल बैंड वाईफाई 5GHz बैंड सपोर्ट करता है, ब्लूटूथ वर्जन 5.1 है, सारे सेंसर्स का सपोर्ट मिलता है, GPS, ग्लोनास वगैरह है, कैमरा 2 API है, इनफैक्ट आपको वाइड बैंड L1 भी मिलता है इनकेस अगर आपको Amazon Netflix के कुछ कंटेंट्स फुल HD में देखना है। मैं कुछ इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ज्यादातर चीजें सपोर्ट नहीं होती, स्टिल वो आप इसमें यहां पर देख सकेंगे। ये वाली मेरी फेवरेट म्यूजिक है, वॉरियो मॉडल NCS। अच्छा बराबर आवाज़ आ रही दोनों में, नीचे से ज़्यादा हो रहा था आवाज़। ओके ठीक है दोस्तों, मतलब स्टेरियो इफेक्ट है तो वहाँ पर एक्सपीरियंस आपका सही रहेगा, और हमने 3.5 mm चेक किया था तो वहाँ पर भी ठीक लगा, तो ऑडियो एक्सपीरियंस ज़्यादा स्पीकर से मुझे बेटर लगे थे। हैप्टिक्स की बात कर ले, Xiaomi का फ़ोन है, एक्स लीनियर मोटर वगैरह तो लगा हुआ रहता है, और यहाँ पर यस दोस्तों वो डिफरेंस है, आप जब टाइप करते हैं तो डिफरेंट टाइप ऑफ आपको हैप्टिक्स मिलते हैं, इनफैक्ट ये मल्टीटास्किंग पर अलग मिलता है, और इनका एक चीज़ मुझे अच्छा लगता है, यूट्यूब पर भी देता है, लेकिन इसमें नहीं है रजमान, इसमें नहीं है। हाँ वो हमने कौन सा वो Xiaomi के फ़ोन में भी चेक किया था जिसमें हैप्टिक्स था ना, ऊपर टैप करते थे, मैं भूल गया, वो शायद अनबॉक्सिंग हमने किया था, खैर तो हाँ इसमें बाकी हैप्टिक्स फ़ोन बसता है तब उसका भी अलग आता है, तो हाँ ये चीज़ आपको यहाँ पर मिलती है। बैटरी की बात करते हैं, इसमें आपको 5000 mAh की बैटरी मिल रही है, और उन्होंने आपको बॉक्स में 33W का फास्ट चार्जर दिया है, हमने ऑनेस्टली कहूँ अभी तक इसको चार्ज करके नहीं देखा है 0 to 100%, लेकिन अभी इतने फ़ोन हमने कर लिया है चार्ज, तो थोड़ा सा अगर मेरे नॉलेज से बोलूँ तो ये एक घंटा के आसपास या सवा घंटे के अंदर हो सकता है फुल चार्ज, वो तो जब हम लॉन्ग टर्म रिव्यू करेंगे तो आपको बताएंगे। वैसे लेकिन एक चीज़ मैं ज़रूर कहूँगा, मैं कल से इसको टेस्ट कर रहा हूँ, हमने बेंचमार्क्स इसमें किया, गेम्स खेला, फोटोज लिया, कल कुछ था अराउंड 70% पर और अभी दोपहर की बात करें तो 47 पर है, तो एक चीज मैं जरूर कहूंगा, बैटरी बहुत अच्छी चल रही है, ऑप्टिमाइजेशन बहुत अच्छा हुआ है, और सारा क्रेडिट यहां पर अगर ऑनेस्टली कहूं तो जाता है चिपसेट को, डायमेंसिटी जो 810 5G है वो जो 6 nm वाली है उसका पूरा यहाँ पर खेले। मैंने जितने भी डायमेंसिटी चिपसेट्स वाले फ़ोन्स को अभी तक टेस्ट किया उनमें मुझे बैटरी में ज़्यादा कंप्लेंट नहीं आई है, और ये उनमें से एक है। ये चिपसेट जो है दोस्तों बहुत ही कमाल की है, और जो काम हुआ है यहाँ पर बैटरी के मामले में इसमें बैकअप मुझे बहुत अच्छा मिल रहा है। कैमरे की तरफ आते हैं, 50 MP प्राइमरी सेंसर,
8 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड सेंसर। मुझे लगता है Xiaomi मेरा वीडियो देख लिया है, वो डियर स्मार्टफोन ब्रांड वाला, हमने जहाँ पर क्रिटिसाइज किया था ना कि 2-2 मेगापिक्सल वाले कैमरा एक्स्ट्रा मत दो, और यहाँ पर Xiaomi ने बहुत अच्छा काम किया। उम्मीद करते हैं दूसरी भी ब्रांड्स ऐसे ही करें, एक कैमरा दो या दो कैमरा दो लेकिन काम के दो, वो वैसे उन्होंने यहाँ पर किया। अब जो 50 मेगापिक्सल ये सेंसर, ये ऑब्वियसली सैमसंग सेंसर है, मैक्स फुल एचडी वीडियो शूट कर सकते हैं 60fps पे। अब वीडियो क्वालिटी यहाँ पर थोड़ा मिक्स्ड फीलिंग्स है, अगर आप में नॉर्मल वीडियो देखोगे तो ये ठीक लगा मुझे, नॉट बैड, क्वालिटी अच्छी है। जहाँ पर जब हम वॉक कर रहे थे तो स्टेबिलाइजेशन यहाँ पर ये भी ठीक लगा मुझे, लेकिन कहीं कहीं जो है दोस्तों एक्सपोजर्स का मुझे यहाँ पर इशू दिखाई दिया, कहीं लाइट बहुत ज़्यादा हो जाती है, कहीं अचानक से बहुत कम हो जाती है, और ये चीज़ उनको फिक्स्ड करना पड़ेगा क्योंकि ये थोड़ा सा चीप लगता है। बाकी ऐसे नॉर्मली मुझे ज़्यादा कोई वीडियो से शिकायत नहीं थी। आपको रियर में नाइट मोड भी मिलता है तो उससे भी हमने कुछ फोटोज़ लिया था, तो फोटोज़ ठीक थे, मतलब मुझे लगता है कि इट कैन बी बेटर। कहीं कहीं जगहों पर अननेसेसरीली ब्राइटनेस ज़्यादा हो जाती है, तो ये सब चीज़ें मुझे दिखाई दी, और नॉइज़ भी दिखता है, तो थोड़ा सा ऑप्टिमाइजेशन अगर नाइट में कर लेते तो बेटर रहेगा। उसी के साथ अल्ट्रा वाइड शॉट्स भी आपको दिखा रहा हूँ, 8 मेगापिक्सल है, लेकिन यहाँ पर भी दोस्तों फोटोज़ अच्छे आए थे और ज़्यादा कोई कलर शिफ्टिंग का इशू मुझे नहीं दिखाई दिया, तो इससे मुझे कोई ज़्यादा कंप्लेंट्स नहीं थे। और वैसे आपको कुछ जूम शॉट्स भी दिखा रहा हूँ, 1x 2x और 10x, अगर आप चाहो तो कर सकते हैं, ये सब डिजिटली यहाँ पर हो रहा है। साथ ही साथ ऑटो फोकसिंग भी अच्छा है, मैंने ये चेक किया वीडियो में, मुझे काफ़ी अच्छा लगा, फास्ट है, वहाँ पर कोई कंप्लेंट्स नहीं थी। और उसके अलावा अगर कुछ नॉर्मल फोटोज भी आपको मैं दिखा दूं तो ये 50 मेगापिक्सल वाले फोटो से अच्छे फोटोज आते हैं, डायनामिक रेंज मुझे यहां पर अच्छा लगा था, इनफैक्ट पोर्ट्रेट शॉट्स मुझे बहुत अच्छे लगे, कलर्स बहुत अच्छे लगे थे, और बुके जो आया है वो बैकग्राउंड में जो डायनामिक रेंज था पोर्ट्रेट शॉट्स में वो मुझे बहुत अच्छा लगा, तो ये काफी अच्छे पोर्ट्रेट फोटोज ले लेता है जो आप यहां पर खुद देख सकते हैं। सेल्फी देखेंगे, सेल्फी भी दोस्तों अच्छी है, 16 मेगापिक्सल सेल्फी है और फोटोज काफी अच्छे निकल कर आए थे, शार्पनेस बहुत अच्छी थी, इनफैक्ट कहीं कहीं जगहों पर डायनामिक रेंज भी मुझे अच्छा लगा, लेकिन एज डिटेक्शन में कहीं कहीं थोड़ा इशू है क्योंकि मेरे भाई ने ग्लासेस पहना हुआ था इसलिए शायद ये ज्यादा हो गया, लेकिन ओवरऑल जो फोटोज आए थे दिन में मैं उससे थोड़ा सेटिस्फाई था। वैसे वीडियो भी देखेंगे तो अच्छा है, फुल एचडी वीडियो 30fps पे आप शूट कर सकते हैं, स्टेबिलाइजेशन मुझे यहां पर अच्छी लगी, अक्सर Xiaomi के फोन्स में जो स्टेबिलाइजेशन होती है वीडियोस में उनमें ज्यादा कंप्लेंट्स नहीं होता, ये भी आप देखेंगे बढ़िया है, लेकिन थोड़ा डायनामिक रेंज यहां पर हो गया। बाकी ओवरऑल वीडियो भी मुझे दिन में यहां पर काफी अच्छे लगे थे। वैसे सेल्फी आप नाइट में मत निकालना क्योंकि आपको सेल्फी में नाइट मोड नहीं मिलता है, तो मैं वहां पर आपको रेकमेंड नहीं करूंगा। तो यहाँ पर अगर मेरे फर्स्ट इंप्रेशन की बात करें, क्योंकि हम अनबॉक्सिंग में ही बहुत टेस्टिंग कर लेते हैं, तो ऑनेस्टली कहूँ तो ये फ़ोन मुझे अच्छा लगा है, लेकिन एक चीज़ मैं ज़रूर कहूँगा, अब ये 17,000 से स्टार्ट होता है 664, फिर 18,000 का है 6128 और 20,000 का है 8128, लेकिन अगर आप सेल पर ले लेंगे जो उनका अभी चल रहा है कुछ 1,000 ऑफ दे रहे हैं ICICI पर दे रहे, तो जो बेस वेरिएंट है वो 15,000 पर आपको मिल सकता है, तो उस प्राइस पर तो अच्छा है, लेकिन 17,000 की अगर ओरिजिनल प्राइस की बात करूँ तो मुझे लगता है कि 664 की जगह अगर वहाँ पर 6128 होता तो और भी ज़्यादा अच्छा होता था। बाकी इस फोन से ज़्यादा शिकायत नहीं है, बस कैमरे में थोड़ी इंप्रूवमेंट्स की ज़रूरत है, और डिस्प्ले इट कुड हैव बीन ब्राइट, जैसे कि मैंने कहा ज़्यादा और ब्राइट हो सकता था। बाकी स्पीड काफ़ी फास्ट है, बैटरी अच्छी, चार्जिंग भी बहुत अच्छी है, और उसके अलावा मुझे परफॉर्मेंस सबसे इसका की सेलिंग पॉइंट होगा, ये सबसे बढ़िया चीज़ आपको मिलती है और दिखने में भी अच्छा लगता है। तो हाँ, मिक्स्ड फीलिंग्स है, बाकी तो ओवरऑल हाँ थम्स अप जरूर है। बाकी इसका हम लॉन्ग टर्म रिव्यू करेंगे तो आपको और भी जानकारी देंगे। इतने दोस्तों इस वीडियो में, अगर आपको हमारी अनबॉक्सिंग्स पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करिए, अगर आप नए तो सब्सक्राइब करिए, ऐसे ही डिटेल में आपको वीडियोस मिलेंगे। तब तक के लिए ऑलवेज कीप स्माइलिंग।